दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमें पता है कि दशहरा में जो थीम रहता है वो यही रहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइट सीन देखने वाले हैं। आज पहला आई थिंक जूनियर इंडिया का, नहीं पहला तो हमारा मैं देख चुके, लेकिन आपके द्वारा रिक्वेस्टेड पहला सॉन्ग। सो ये है SS राजामौली सर की मूवी से ही, और मूवी है यामा रहूंगा, जिसका हमने एपिक आई थिंक डायलॉग वॉर बिटवीन मोहन बाबू एंड जूनियर एनटीआर देखा था। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन था, ऊपर पहुंच जाते हैं वो और लेट्स सी कि अब इंट्रोडक्शन फाइट सीन क्या। और काफी ज्यादा बड़ा है, 10 मिनट का है लगभग के करीब करीब, तो इसे शुरू करते हैं, बाकी सारी बातें साथ में ही करेंगे। सो हियर वी गो। सब टाइटल्स नहीं है, सो समझ कुछ नहीं आएगा। अरे भाई, पर यहां पे ये इंट्रो फाइट सीन कॉमेडी मूवी लग रही है। आई थिंक कहीं है चुरावरा के तो नहीं दे क्या? बिना देखे हैं। लुक एट द एक्सप्रेशंस ऑफ, एज यू देख के हंसी आ रही है। आई थिंक कहीं है ये यंत्र वगैरह तो नहीं, इससे भी ये लग रहा है कि इसी यंत्र की वजह से जो है वो कहीं यमलोक का कनेक्शन इनका बन गया। ओ फाइनली। इतना धोऊंगा अभी तुमको पकड़ के। सही बात है, कह रहा होगा एक सिंपल सा लाइक तुम्हें अवसर देते हैं छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ओ भाई तो काट के रखूंगा। भाई ऐसे ही कुछ होगा, तो भाग गए। नहीं सॉरी भाई, क्या बात है, नाइस बाल भी उड़ रहा है। अरे भाई, ओ यार इसको देखो, याद आ गया मुझे। अरे भाई, अरे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने यार, इतनी ओल्ड मूवी थी, बट ओ भाई साहब सही है ना, चेहरे पे जो स्माइल वगैरह एक्साइटमेंट। ओ भाई ये तो टाइगर श्रॉफ जैसा भाई, क्या बात है यार, बढ़िया भाई, अमेज यार। ओ वाओ, और कोई भी वायरिंग लग नहीं रही है, कितना रियल लग रहा है यार, रियल शॉट को कैप्चर कर दिया बस। अरे भाई वाओ यार, अमेजिंग मैन, भाई एनर्जी देख तू भाई। अरे भाई जबरदस्त सही। अरे भाई 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 भाई, अरे अरे भाई सामान भी गिरा दिया भाई, कितना रियलिज्म है इसमें। अरे भाई ओ भाई यार, ये मूवमेंट स्मूथ है भाई, काफी ज्यादा भाई, वाओ बढ़िया यार। और एक्सप्रेशंस देखो यार, अभी भी लाइक वो चेहरे पे स्माइल एक्साइटमेंट है, लाइक पहले से कॉन्फिडेंस था कि इन्हें तो मैं पकड़ ही दूंगा। जबरदस्त यार, क्या मारा है यार, ये तो आरआर की तरह मैच हो गया, आरआर की तरह राजा वो भाई। ओ भाई ये तो बिल्कुल पहले जैसे है, तो डायरेक्टर भी तो राजा मौली है। सही बात है, वो विजन जो बीच में है ना, सेम पर्सन, शिकार होने वाला अभी हम पे। आए नंबर क्या क्या क्या, ये वीडियो शायद से हमने देखी हुई है ऋषि, वीडियो ये वाली शायद से हाँ शायद से। यार एक तो मीम भी है ना, जहां पे ऐसे भाग रहा होता है, उसके बाद पीछे बंदा आता है, उठा के ले जाता है उसको, हीरोइन को।
क्या था, आपने से किसी ने नहीं देखी हो? नाइस नाइस, वो एक्सप्रेशन देख रहे हो खुशी पकड़ने की इसको। अरे भाई क्या कैप्चर किया है यार, खतरनाक। मानना पड़ेगा भाई, पूरा चिता के साथ अंसा डायरेक्टर, ऑलवेज द डायरेक्टर, खतरनाक खतरनाक। ओ एकदम सिंबलाइज कर दिया पूरे तरीके से। पुलिस का मतलब क्या है यार, पुलिस तो नहीं। फाइनल सही था यार, खतरनाक। उड़ते हुए बाल तो लाइक और भी जबरदस्त लग रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से पावर्स आ गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ऐड एक मिनट। तो दोस्तों इसे रोकते हैं यहीं पे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। बात करें एक्शन की तो भाई जबरदस्त एक्शन था यार, मजा आ गया। और यू नो आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जिस तरह से राजा मौली हैं, स्टार्टिंग से काफी पहले की उनकी मूवी है और वहीं पे आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा सिमिलर एलिमेंट्स हैं और उनका विजन कितना जबरदस्त है यार। जिस तरह से वो एनटीआर को चिता के साथ दिखा रहे हैं, वो वन पीछे चिता वाली वीडियो भी चल रही है और एनटीआर की चेज वाली वीडियो भी चल रही है, चिता की भी चेज चल रही है। तो वो दिखाने का विजन अपने एक्टर को कि एक्टर को आप किस तरह से दिखाने वाले हैं और उसकी क्या इमेज पोर्ट्रे होगी, वो जबरदस्त है यार। उनका विजन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। यही उन्होंने आरआरआर में भी किया था जब लाइक के शेयर के साथ, क्या बेहतरीन सीन था यार वो, एकदम मजा आ गया था। वैसे कुछ कितने साल पहले लाइक एक विजन देखने को मिल जाता है डायरेक्टर का कि किस हिसाब से वो सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है और किस हिसाब से वो दिखाना चाहते हैं हीरो को। एक्शन का एग्जीक्यूशन देखो आप यार, इतने साल पहले की मूवी है और उस टाइम पे इस तरह का एक्शन करना है, यू नो कैसे इतनी स्मूथली और इतनी क्लीनली किया है कि आप कुछ सीन में देख सकते हो जहाँ पे वो तराजू के बीच से गए एंड एक जगह पे खिड़की के बीच से गए, तो वहां पे देख सकते हो जूनियर एनटीआर ही है बीच में। हाँ वो कितना रियल लग रहा है वो सीन, और स्लो मोशन डाला है और उसका एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ और रियल है। कोई बॉडी डबल नहीं, कोई वायरिंग नहीं वगैरह, आप पूरा ही देख सकते हो। ये नहीं कि टांगे वगैरह नहीं आ रही हो या कुछ कहीं से, आप पूरे देख सकते हो भाई उन्हीं का ही वो लाइक डाइव थी और बीच से जाना एकदम, और जो पोल्स के साथ किया है ऊपर नीचे दाएं बाएं वगैरह सब। रिएक्शन में ऐसा ऐसे सिमिलर सीन मुझे ये सीन देख के जो है वो बागी मूवी थी टाइगर श्रॉफ, वो बैंकॉक जाता है और वहां पे जब वो सीन्स होते हैं जिसमें वो ऑटो के बीच से जाता है, देन ऐसे पोल्स के बीच में जाता है, वो सिमिलर सीन लग रहा है बागी वाला सीन जो यहाँ पे हुआ है। पर ये तो काफी पहले है। हाँ ये काफी पहले, तो जस्ट अभी आई थी, तो सिमिलर सीन की है, वो भी ऐसे बीच से जाता है एंड उसकी एग्जीक्यूशन भी सेम। और उसके बाद से उसके ऊपर फ्लिप भी था एक लाइक कार के ऊपर से, तो कितना रियल था वो, ऐसा एनटीआर ने भी किया है यू नो। हाँ उसमें भी था कार वाला सीन, इसी की बात कर रहा हूँ कि कितना रियल ये चीज। और वो वाली चीज जो है वो थोड़ी सिमिलर सिमिलर लग रही है, आई डोंट नो, मुझे वही चीज क्लिक हुई जब ये सीन देखने के बाद, जब वो सीन साथ साथ में याद आ रहा था मुझे टाइगर श्रॉफ का, एंड ये बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से एग्जीक्यूट किया है। टाइगर श्रॉफ वाला भी सही था बट वो काफी ज्यादा थोड़ा लेटेस्ट है बाद में, और ये काफी पुरानी तो काफी ओल्ड लग रही है मुझे, काफी पुरानी मूवी लग रही है और बेहतरीन तरीके से किया है। साथ में इसमें एक्सप्रेशन देखो एनटीआर के, किस तरह की यू नो एक एक्साइटमेंट है उनकी कि वो चेस कर रहे हैं, मतलब गुस्से वाली वाइब नहीं है कि मतलब इनको पकड़ के मारूंगा, एक कॉन्फिडेंस वाली जो वाइफ है वो है यार, तो मैं कब पकड़ूंगा इसको, पर मैं पकड़ ही लूंगा इसको 100% पकड़ूंगा। लाइक जब वो शुरू होने वाली थी चेस तभी लाइक जो डायलॉग वगैरह थे वो समझ नहीं आए, लेकिन एक वाइब ऐसी थी कि भाई कोई बात नहीं, अगर मैं भागना भागा तो कोई बात नहीं, और वो खुशी थी कि ये भागे कोई बात नहीं, अब तो मैंने पकड़ूंगा, ठीक है कि नहीं। तो वो एक्साइटमेंट वाला एक्सप्रेशन ही रहा, जब कुटाई करी तब भी एक्साइटमेंट वाला ही था एकदम, बढ़िया मजा आ गया यार सीन को देख के एंड वी एंजॉयड अ लॉट। आई होप जब आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफी सारी वीडियोस हमारी आती रहती हैं, वी डोंट वांट कि आप जो मिस कर दो, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी वीडियोस आ रही हैं और आप देख सको। एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।